साहस सरोकार। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने दिए आदेश, विभाग में अब चीफ विजिलेंस ऑफिसर की होगी तैनाती। ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए कहा गया, सेकेंडरी स्कूलों में भी आउटडोर एक्टिविटी नहीं होगी। दोपहर 2:50 पर विशेष रेलगाड़ी से पहुंचेंगे रायबरेली, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रेल पहिया कारखाने का करेंगे निरीक्षण। विधायक हरीश शख्स के पिता को श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धांजलि सभा में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 गंभीर श्रेणी में। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। राजधानी लखनऊ में सिविल अस्पताल में जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने खुद डेंगू व संचारी रोगों को लेकर हॉस्पिटल मरीजों को उपलब्ध कराए जा रहे इलाज का सत्यापन किया। इसके साथ ही मरीजों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं नगर निगम के जोनल कार्यालय जोन 6-7 में बैठकर सफाई अभियान, फॉगिंग व डेंगू की रोकथाम के संबंध में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुल्तानपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर दौरे पर रहे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने नशा मुक्ति पर आयोजित कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर आधारित पुस्तक वुमेन राइजिंग पावर ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से नशा मुक्ति समाज अभियान कौशल के माध्यम में 2 करोड़ से अधिक लोगों को नशा मुक्त किए जाने में सफलता पाई है। और उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने देश भर में 272 जिलों को सर्वाधिक नशा का क्षेत्र चिन्हित किया गया है। करीब 6,32,000 लोग 90 साल तक अंग्रेजों से लड़ने में अपनी कुर्बानी दी, लेकिन नशे की वजह से हर साल 19 से 20 लाख लोगों की जान जाती है और मरते हैं, उनका परिवार बर्बाद होते हैं। इसलिए इसमें सभी लोगों को, चाहे वो लीडर हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हों, जो भी हों, सभी लोगों को इस आंदोलन से जुड़ने की ज़रूरत है। और हिंदुस्तान को नशा मुक्त भारत बनाना है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2047 तक, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तब तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का कार्यक्रम अभी से तैयार कर लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। आशुतोष, सुल्तानपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर दौरे पर रहे, कौन कौन से कार्यक्रम में वो शामिल हुए और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? ये बिल्कुल आपको बता रहे हैं, सुल्तानपुर में जो है किशोर का आगमन हुआ था जरूर, लेकिन कुछ उनकी प्रमुख बातें ये रही, जैसे नशा मुक्त को लेकर होगा या जो है डेंगू को लेकर होगा, साफ सफाई को लेकर होगा, तमाम तरह की जो है उनकी एक चर्चा के विषय था। लेकिन अगर आपको बता दें सुल्तानपुर के जिला अस्पताल की अगर बात करते हैं, सुल्तानपुर के हॉस्पिटल की पूरी तमाम तरह की पूरी व्यवस्था की गई है, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा जो है मरीजों को खान पान को लेकर हर चीज को लेकर जो है सुविधा दी गई है। लेकिन अगर साफ सफाई के मुद्दों को लेकर बात करते हैं, नगर पालिका की भी कुछ ना कुछ लापरवाही देखने मिलती है जे। और इसी के दौरान अगर हम बात करते हैं, जैसे अब लॉकडाउन जब लगा था, भीषण लॉकडाउन लगा था, उसमें बंद भी हो गया था सब कुछ, तमाम तरह की दवाइयां उड़ाई जा रही थी, तमाम तरह की जो है सफाई चल रही थी, लेकिन इसमें कुछ खास तरह की साफ सफाई नहीं दिख रही है। आशुतोष, महिला सशक्तिकरण पर आधारित पुस्तक वुमेन राइजिंग पावर ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन उन्होंने किया, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं जिस तरह महिला सम्मान को लेकर एक उत्साह वर्धन किया गया, महिला का जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, 90% जो है इस समय पुरुष को रोक जो है महिला को ही सम्मानित किया जा रहा है। महिला कुछ ना कुछ अपना गुणवेद दिखाती है और वर्किंग भी अच्छा लेकर चलती है। धन्यवाद आशुतोष हमसे जुड़ने के लिए।
गोंडा में तरबगंज तहसील क्षेत्र के ढिमवा घाट पुल का सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद के साथ लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़, खंड व जिले सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सांसद ने टूटे पुल को सही कराने की बात कही और कहा कि इस पुल के आसपास कई घुमावदार मोड़ है, इसलिए बाढ़ में सड़कें कट जाती है। इसके साथ सांसद बृजभूषण शरण ने कहा कि जल्द ही इस समस्या का निपटारा किया जाएगा। इसके साथ ही सांसद ने इस समस्या से निजात पाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। महाचोर है यार, वो खुद महाचोर है। ये मैं आप लोग 20 उदाहरण मत जाइए। ये कोरोना पर जो 5,000 रुपए का जुर्माना कराया था, कौन वसूल ला था भैया? ये कार्यकर्ता कैसे कोरोना का जुर्माना वसूल सकते हैं? लुटवा लिया बाहर के आदमियों, दिल्ली में जो घुसते थे लुटवा लिया उसने अपने आदमियों लगा कर। केजरीवाल ने नोट पर, केजरीवाल ने जरा गंभीरता पूर्वक कहा, ये मैं कहता हूँ पुलिस चालान करे या जो सरकारी एजेंसी चालान कर रहे, केजरीवाल ने कैसे व्यवस्था की उनके कार्यकर्ता चालान करे? अगर आप एयरपोर्ट से गए होंगे, देखे होंगे, 5-5, 7-7 कार्यकर्ता रहते थे, बंदर की तरह कूद पड़ते थे और 5,000 का चालान करते थे, लोगों को बेइज्जत करते थे। वो चोर आदमी का नाम मुझसे मत लीजिए, वो भी अयोध्या तीर्थ के अंदर बैठ कर ये पुल बनने से राजधानी हमारी लखनऊ की दूरी 120 किलोमीटर थी, अब ये सड़क डैमेज हो गया, इसलिए राजधानी की दूरी 180 किलोमीटर 90 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। और मेन समस्या ये है कि सड़क तो बनी बन रही है, सड़क बना, बाढ़ है, हर हमेशा हर साल बाढ़ आती है। तो हमारा आपके टीवी के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, योगी सरकार के माध्यम से कह जाते हैं, अपने संसद महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और हम ये आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, क्षेत्र की तरफ के ये कहना चाहते हैं कि यहाँ बांध की व्यवस्था की जाए ताकि ये बाढ़ के हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगर बांध का निर्माण हो गया तो ये मतलब सड़क का या फसल नुकसान का जो ये नुकसान हो रहा है ये हमें। गोंडा के कर्नलगंज में निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आते ही पुलिस चौकन्ना हो गई है। पुलिस ने चुनाव को लेकर सतर्कता बरतते हुए तहसील मुख्यालय के सामने भारत टावर पर छापेमारी की। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि तहसील मुख्यालय के सामने भारत टावर पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस को छापेमारी में कुछ भी नहीं मिला। वहां पर वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा था। अमेठी जिले में देवो उद्यान एकादशी के पर्व पर चतुर्भुज धाम मंदिर पर दीप जलाकर चतुर्भुज महाराज की ग्रामीणों ने पूजा अर्चना की। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने इस मौके पर मंदिर को हजारों दीपों से सजाया। इसके साथ ही लोगों ने अपने घरों में भी देवो उद्यान एकादशी के पर्व पर पूजा अर्चना की और देव दीपावली को मनाया। देव दीपावली पर बड़े बुजुर्गों ने बच्चों के साथ मिलकर आतिशबाजी करते हुए बुराइयों का दहन करते हुए क्षेत्र के सुख समृद्धि भगवान से प्रार्थना की। रायबरेली में डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गहरवारी गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब चारा काटने गई लड़की का शव बोरी के अंदर खेत के बाहर पड़ा मिला। ग्रामीणों ने आनन फानन में मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं SP ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जाँच के आदेश दिए। साथ ही SP ने कहा कि मामले का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। कि 11 बजे से लगभग गायब है 10-11 से। हम लोग ढूंढते हैं, हमको लोगों का कहीं नहीं मिलती है। पूरी अखा आसपास सब ढूंढ दिया, धान, अरहर, गेहूं सब, मतलब धान सब ढूंढ दिया, नहीं मिली। सब एक एक गलियां ढूंढ दिया, नहीं मिली है। और जब यहां आया तो यहां तो लड़का पाए हैं। जब ताला खुला है राम कुमार के घर पर, जब लड़का ताला खोला तब नहीं वो लाश मिली मुर्गी फार्म के अंदर लोहे की। यहाँ एक 12 वर्षीय लड़की की बॉडी मिली है बोरे में बंद, एक राम कुमार हैं उनके घर में। और ये पता चला है प्रथम दृष्टया जांच पड़ताल से कि वो लड़की ठीक उनके घर के पीछे जो बटाई पे उसके फादर ने खेत लिया हुआ था वहाँ वो चारा काटने आई थी। उसके बाद वो दिखाई नहीं पड़ी 11-12 बजे के आसपास। घर वाले भी काम में बिजी थे, जब उनको समझ में आया कि लड़की गायब है तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया और अंततः उनको पता चला कि लड़की वहाँ उस कमरे में जो राम कुमार उनके एक कमरे में बोरे के अंदर।
अलीगढ़ में देहली गेट थाना क्षेत्र में प्रेमी की जमकर पिटाई का मामला सामने आया है। युवक पिटाई से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक इंद्रपुरी लोनी गाजियाबाद का एक युवक का प्रेम प्रसंग देहली गेट क्षेत्र की युवती से 2 साल से चल रहा था, जिसके चलते प्रेमी युवक गाड़ी को भाड़े पर लेकर अलीगढ़ आया और युवती को लेकर भागने की फिराक में था। तब युवती के घर वालों को इस बात की खबर हो गई, जिस पर युवती के परिजनों ने युवक के साथ ड्राइवर की जमकर पिटाई की। वहीं घायल ड्राइवर के भाई के तहरीर पर पुलिस ने प्रेमी युवक और प्रेमिका के पिता को हिरासत में ले लिया और पुलिस ने जांच पड़ताल कर कार्रवाई शुरू कर दी है। को गाड़ी बुक करा के लाए थे दो व्यक्ति। क्या नाम है इसका? इसका नाम सागर है। और जब इसको गाड़ी बुक करा के लाए थे, ये अपने घर जा रहा था, उनकी कुछ कहा सुनी थी, उनके चक्कर में उन्होंने उनसे मिलके इसके साथ हाथापाई कर दी। उन्होंने क्या कहा था इनसे कि जो गाड़ी कहाँ ले जा रहा है? ये घर आना चाह रहा था, मगर उसने कहा कि गाड़ी अभी नहीं चाहिए। और फिर इनकी कहा सुनी हुई है और उसके साथ मिलकर 4-5 व्यक्तियों ने, अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर हमला किया। औरैया जिले के अजीतमल थाना क्षेत्र में बाबरपुर फफुंद रोड बकरा मंडी के पास तेज रफ्तार 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने CHC में इलाज के लिए भर्ती कराया। इसके बाद ही अस्पताल में डॉक्टर न मिलने पर लोगों में आक्रोश दिखाई दिया और आपस में कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि डिप्टी SP ने मामले को संभाला और मामले को शांत कराया तो वहीं सभी की ज्यादा हालत खराब होता देख उन्हें सैफई मेडिकल रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। बकरा मंडी के पास जो बाबरपुर त्रिहाए से आगे जाते हैं, वहां पर 2 मोटरसाइकिलों की आपस में आमने सामने टक्कर होने की वजह से एक व्यक्ति स्पॉट खत्म हो गया और उसमें दोनों बाइकों के मिला के 3 व्यक्ति घायल हो गए। एक शिववाहिनी विद्यालय के पास में अज्ञात वाहन के द्वारा एक व्यक्ति को टक्कर मार के घायल कर दिया गया था, वो भी घायल है। तो कुल मिला के आज शाम को 2 एक्सीडेंट हुए, जिसमें से 4 व्यक्ति घायल हुए और एक व्यक्ति ऑन स्पॉट खत्म हो गया। चारों घायल व्यक्तियों को सैफई PGI रेफर करा करके एम्बुलेंस के द्वारा उनको भेजा गया है और जो डेथ है इनको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए आगे 100-bed हॉस्पिटल चिचोली भेजा जा रहा है। रायबरेली में सरेनी थाना क्षेत्र के गेगासो में NH-232 के पास जंगल में अज्ञात शख्स का शव मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मामले की जांच के लिए आसपास के गांवों में शव की शिनाख्त के लिए पुलिस की टीम लगाई गई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के मंगल चौक के पास एक कार सवार युवक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक गिर पड़े। दोनों को मामूली चोट आई है, जिससे घबराकर कार सवार युवक कार लेकर भागने लगा। वहीं कार की टक्कर से सड़क पर गिरी मोटरसाइकिल कार के अगले हिस्से में फंस गई, जिसे देखकर आसपास के लोगों ने कार सवार को दौड़ाया। करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर लोगों ने कार सवार को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया। वहीं इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना कल रात्रि लगभग 11 बजे की मंगल चौक नीतिखंड थाना इंदिरापुरम की है, जिसमें एक कार चालक और एक बाइक सवार में टक्कर होती है, जिसमें कार चालक का नाम अभिषेक है और बाइक सवार हवा सिंह निवासी खरखौंदा मेरठ के थे। इनकी बाइक उनकी गाड़ी में 4-wheeler में फंसती है और यह 4-wheeler इन्होंने बिना ध्यान दिए हुए काफी दूर तक इनकी बाइक घसीटती हुई जाती है, जिसमें बाइक सवार सुरक्षित है। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और साथ में इनकी कार को भी जब्त कर लिया गया है और इसके बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। देख रहे हैं।